तो वर्ल्ड कप का अगला मैच यानी कि मैच नंबर 16 होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच। और ये मैच भाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि न्यूजीलैंड अपने तीनों मैचेस जीत कर आ रही है और वहीं अफगानिस्तान रिसेंटली इंग्लैंड को हरा कर आ रही है। तो इस वर्ल्ड कप में भाई किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। बात तो सही है। तो देखते हैं इस वीडियो में इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और इन दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड ने भाई तीन मैचेस खेले हैं और तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं। जहां पर उनका रिसेंट मैच था भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट और उस मैच में बांग्लादेश को उन्होंने 8 विकेट से हराया था। जहां पर केन विलियमसन ने भाई 78 रन की काफी तगड़ी इनिंग खेली थी और डैनियल मिचेल ने 89 रन बनाए थे। तो बेसिकली न्यूजीलैंड की टीम भाई काफी तगड़ी फॉर्म में इस वर्ल्ड कप में। और वहीं मैं बात करूं अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान ने अभी केवल 2 मैचेस खेले हैं और उनमें से एक मैच में उन्हें जीत मिली है। जहां रिसेंट मैच में वो इंग्लैंड को 69 रन से हरा कर आ रही है। जहां भाई अफगानिस्तान ने बैटिंग करते हुए 284 रन बनाए थे जिसमें रहमुद्दौला गुरबाज ने 80 रन की काफी तगड़ी इनिंग खेली थी और उनके साथ इकरम ने भी 58 रन की काफी तगड़ी इनिंग खेली थी और उसके बाद इंग्लैंड को 215 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था। तो इस वर्ल्ड कप में भाई किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। तो अब बात करते हैं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स इन ओडीआई। तो इन दोनों टीम्स के बीच अब तक 2 ODI मैचेस हो चुके हैं जिसमें कि दोनों के दोनों मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं। तो बेसिकली न्यूजीलैंड काफी डोमिनेटिंग रही है अगेंस्ट अफगानिस्तान और ये मैच होने वाला है एम चिदंबरम स्टेडियम चेपॉक में, तो जहां पर स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो अफगानिस्तान इस मैच में भाई न्यूजीलैंड को काफी टक्कर दे सकती है क्योंकि उनके पास काफी अच्छे स्पिनर्स हैं जैसे मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीबुर रहमान। तो अब देखते हैं इन दोनों टीम्स के क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में। तो अफगानिस्तान की तरफ से पहले आएंगे रहमुद्दौला गुरबाज, उनके साथ इब्राहिम जादरान, फिर तीसरे नंबर पर रहमत शाह, फिर आते हैं कैप्टन हजमुद्दौला जहीदी, फिर आते हैं हजमुद्दौला उमरजाई, फिर आते हैं इकरम, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उलक और आखिरी में आते हैं फैजल फारूकी। तो ये हो सकती है भाई अफगानिस्तान की प्लेइंग 11। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो न्यूजीलैंड की तरफ से पहले ओपनिंग करेंगे डेवन कॉनवे, उनके साथ आएंगे विल यंग, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं रचिन रविंद, फिर डैनियल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लेथम, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्गुसन और आखिरी में आते हैं ट्रेंट बोल्ट। तो ये हो सकती है न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो आपके हिसाब से कौन इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है और सबसे ज्यादा विकेट कौन लेने वाला है कमेंट सेक्शन में बता दो। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।